हेलो वेलकम गाइस, वेलकम टू माय हाउस दिस मॉर्निंग एट 8 AM। आप सबका तहे दिल से स्वागत है मेरे घर के अंदर। एंड द रीज़न वाई मैं वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँगा ट्रेन से फ्रॉम लखनऊ टू दिल्ली। देर वॉज सम इम्पॉर्टेंट फैमिली फंक्शन जो कि मैं अटेंड कर रहा था। पर ऑब्वियसली बात है, आपका प्रिपरेशन SBI का, RRB का, UPSC का बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए जो PDF है इस सेशन का, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। फर्स्ट, सेकेंड, स्पेशली टू माई हेटर्स, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, यू हेट मी लाइक आई लव यू। कल मैंने कुछ कमेंट्स देखे, जो कि देख के अजीब भी लगा, अच्छा भी लगा। अच्छा ये लगा कि चलो अभी भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो आपको हेट करते हैं, तो अभी भी दुनिया में प्यार बांटना बाकी है। सो गाइज, एक रिक्वेस्ट है आपसे, जो लोग कुछ जो कह भी रहे थे सर कि शो का सेशन छोटा था, तो ऑब्वियसली बात होगा, बिकॉज जब मैं उस दिन ट्रैवल भी कर रहा था, तो जो वीडियो कल मैंने बनाया है करंट अफेयर्स का, वो मैंने ट्रेन में बैठ के बनाया है। एंड पीछे से आवाज़ भी आ रही थी, एंड लोग भी देख रहे, लोग को लग रहा था ये कौन महान व्यक्ति आ गया है, हु इज़ एक्चुअली मेकिंग अ वीडियो जो कि ट्रेन बैठ के शूट कर रहा है। पर गाइज, मैंने पिछले 1-1.5 महीने से सोचा है कि अब सबसे संडेज़ को भी करंट अफेयर्स को मैं लाऊँगा, भले मैं घर से करूँ, पर कम से कम आपको जो क्वालिटी कंटेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, रिमेंबर, चाहे वो UPSC हो, RBI हो, SSC हो, LIC हो, IBPS हो, या फिर SBI हो, हर उस लेवल के लिए हम यहाँ पर सेशन करते हैं। मैंने कोशिश की है कि जो टॉप 10 to 15 हेडलाइंस हैं उनको हम यहाँ पर टेकअप करें। MCQ शो ऑलरेडी सोनू मैम कर रही हैं, तो वो करती रहेंगी। कुछ MCQs मैं लूँगा, एंड कुछ चीज़ों को मैंने यहाँ पर चेंज किया है। दोस्तों, जो लोग मेरे फॉलोअर्स हैं पिछले 2-3 साल से, दे नो इट्स बीन 3 years फॉर मी वर्किंग द कंपनी एंड डूइंग द करंट अफेयर शो। सो समटाइम्स आई हैव बैड डेज, समटाइम आई हैव गुड डेज, बट गाइज यू हैव टू सपोर्ट मी। लाइक यू आर स्ट्रगलिंग इन योर करियर, यू आर कॉन्स्टेंटली री इन्वेंटिंग योर सेल्फ, मैं भी वही कर रहा हूँ। आई एम ऑलवेज वेलकम फॉर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, बिल्कुल वो आप मेरे को तहे दिल से दे सकते हो। एंड अगर आपको कुछ भी कमेंट करना है जो नेगेटिव, बिल्कुल करिए, एंड आई विल वर्क ऑन देम। सेकेंड, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि सुबह है, सुबह के 8 बज रहा है, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको सुनाता हूँ। मतलब मेरे एक बहुत ही खास फ्रेंड है, उन्होंने एक स्टोरी सुनाई कि विच इज़ बेटर, झाड़ू मारना या पोछा मारना। तो मैंने कहा पता नहीं, उसने कहा झाड़ू मारना, जो जो जन जब झाड़ू मारते हो तो अब आगे बढ़ते हो, पोछे मारने के लिए आपको इधर उधर पीछे आगे सब देखना पड़ता है। तो मुझे बड़ा अटपटा लगा, मैंने कहा सर इसका लॉजिक क्या। तो उसका लॉजिक उन्होंने ये दिया कि जब डायरेक्शन दिख रहा हो सामने, जैसे गंदगी जब दिख रही हो सामने, तो सामने आप बढ़ते जाओ, और जैसे ही वो आपको जो एक डायरेक्शन दिख रहा है अपनी लाइफ का, वो लगातार दिखता जाएगा, तो आप आगे ही बढ़ते जाएंगे। एंड जैसे कि झाड़ू से वो आपकी ज़मीन साफ हो जाएगी, वैसे ही आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो लाइफ में स्ट्रगल्स हैं, जो लाइफ में डिलेमास हैं, वो अपने आप कवर हो जाएगी। तो बड़ा ही ओरिजिनल सबका आइडिया था कि इट्स बेटर टू, झाड़ू मारना बेटर है पोछा मारने से। पोछा मारने के लिए आपको पीछे आना पड़ता है, और झाड़ू मारने के जनरली आप आगे बढ़ते हो। जिनको डाउट है, झाड़ू मार के आज देख लेना कि जनरली जो जब झाड़ू मारते हो तो पीछे से आगे आते हो, ना कि आगे से पीछे। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि येस, फ्रॉम टुमारो आई विल बी इन माई स्टूडियोज़, एंड स्टूडियो में मैं आपका सेशन करूँगा, तो वहाँ कोई साउंड का दिक्कत नहीं होगा, कोई वॉइस का दिक्कत नहीं होगा, कोई कंटेंट का दिक्कत नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी। पर फिलहाल के लिए आज का जो कंटेंट है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका PDF अवेलेबल है, उसको वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि LIC ADO का एग्जामिनेशन का जो रिक्रूटमेंट वो आ गया है, एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबसे, जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं, वो सबके सब उस सेशन को या उस एग्ज़ाम को प्लीज़ भरें, बिकॉज इट्स अ वेरी डिसेंट पोस्ट। एंड वैसे भी अभी आप सब स्ट्रगल कर रहे हो, कई लोग के पास जॉब नहीं है, तो प्लीज़ उसको जल्दी से जल्दी अवेल करें। बाकी कोई भी अगर आपका फीडबैक है, प्लीज़ मेरे को आप मेल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल ID है coach.pandey@r247.com, वहाँ पर जो भी आपका फीडबैक है उसका दे सकते हो। बट फ्रॉम वेंसडे आई विल बी अवेलेबल फ्रॉम द स्टूडियोज, पर फिलहाल के लिए अभी जो इसका आज का PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मैंने करा दिया है। सो थैंक यू सो मच गाइज, स्पेशली टू ऑल दोज पीपल हु कैन क्वेश्चन, हु कैन क्रिटिसाइज, स्पेशली टू देम गाइज, कीप ऑन दैट एंड आई विल कीप ऑन इम्प्रूविंग। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।